नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परेश और आप देख रहे हैं सिंपली सपोर्ट। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम कैसे किसी भी स्मार्टफोन को किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करें हुए बिना किसी वायर के या बिना किसी डेटा केबल के। सो दोस्तों इसके रिगार्डिंग पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो मैंने पूरा बताया किस तरह से काम करता है, कॉन्फ़िगरेशन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार जो एप्लीकेशन आपको दी गई थी उस एप्लीकेशन में कमी थी, वो एमआई के फ़ोन को सपोर्ट नहीं करती है। एमआई, रेडमी, शाओमी के जितने भी मॉडल हैं वो सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि उन फ़ोन में खुद का FTP सर्वर का ऐप होता है, इनबिल्ट ऐप होता है, जो कि अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं देता है, डिनाइड कर देता है, परमिशन नहीं देता है। उस वजह से वो एमआई के फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, आप फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे। मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि ये वर्क नहीं कर रहा है, तो दोस्तों इसके लिए मुझे नया वीडियो बनाना पड़ा। तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन दूंगा जो सारे वर्जन, सारे एंड्रॉयड वर्जन को सपोर्ट करेगा, सारे ब्रांड को सपोर्ट करेगा और आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, FTP सर्वर ऐप हमारे क्या काम आता है, इसका यूज क्यों होगा, हमें क्यों करना पड़ेगा। सो दोस्तों इसके तीन बेसिक रीजन हो सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहला रीजन ये है कि आप अगर कहीं ऐसी जगह हो जहां आपके पास केबल ही ना हो, आपको अपने फ़ोन से कंप्यूटर में डेटा लेन देन, डेटा आपको ट्रांसफ़र करना हो कुछ भी किसी भी तरह से। लेकिन अब इस केस में क्या होता है, आपके पास डेटा केबल नहीं है और आपके पास बड़ी फाइल है। सपोज करो आपके पास 1 GB की फाइल है या कोई मूवी है जो आपको उसमें देखनी है कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो आप उस मूवी को नेट से तो शायद सेंड नहीं कर पाओगे, इसको ईमेल भी नहीं कर सकते हो, या अगर आप करते हो तो डेटा प्लान महंगे हैं, डेटा प्लान कॉस्टली होता है, फिर उसमें टाइम अलग लगता है, तो हर तरह से वो पॉसिबल नहीं कि हम इंटरनेट या क्लाउड से हम उसे ट्रांसफ़र कर दें। तो फर्स्ट ये तरीका है एक तो कि आप इस, अगर डेटा केबल आपके पास नहीं हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। सेकंड चीज़, आपके पास केबल हो और आपकी केबल ख़राब हो और वो वर्क नहीं कर रही हो, आप उसे लगा रहे हो और फिर भी वो कनेक्टिविटी नहीं आ रही, या कनेक्टिविटी आ रही जा रही है, आप केबल को मोड़ रहे हो और आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा, कभी हो रहा है, कभी फाइल कॉपी होती होती केबल हिल गई और आपका फोन कनेक्टिविटी छूट गई और डेटा ट्रांसफ़र होना, कॉपी होना बंद हो गया, तो इस केस में भी आप FTP सर्वर यूज़ कर सकते हो। तीसरा रीज़न ये हो सकता है यूज़ करने का कि अगर आपकी केबल सही है, आपका फ़ोन सही है, लेकिन आपके फ़ोन का जैक जो जहाँ पे हम केबल लगाते हैं वो जैक ख़राब हो, उस दौरान आप क्या करोगे दोस्तों, आप सेम थिंग, आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपके फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो इस केस में भी आप अपने स्मार्टफोन को FTP सर्वर ऐप से आप कनेक्ट कर सकते हो और ईजी वे में आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि बहुत आसान है और बहुत स्पीड से ये वर्क करता है। तो ये तीन रीज़न है मेन इस ऐप की वजह से आप अपने सारे काम इजी कर सकते हो, फाइल कॉपी कर सकते हो, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों चलते मैं मोबाइल स्क्रीन की ओर, बताता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, बाकी सारा मेथड सेम है जो पिछली बार वीडियो मैंने बताया था। तो चलिए स्क्रीन की ओर। सो दोस्तों सबसे पहले हम हमारे फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएंगे, तो ये हमारा प्ले स्टोर कुछ इस तरह से। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद में हमें यहाँ पे सर्च में लिखना है FTP सर्वर प्लस। ये लिखने के बाद दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। एप्लीकेशन जो फर्स्ट नंबर पे आ रही है, ग्रीन कलर का प्लस का सिंबल है, मोबाइल बना हुआ, हम इसे खोलेंगे, हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन होने के बाद में बहुत सिंपल स्टेप है दोस्तों, इंस्टॉलेशन होने के बाद में आप सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करोगे। दोस्तों जैसे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है ओपन, हम इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल से इंटरफेस है, ऑन और ऑफ। तो दोस्तों अब इसे ऑन करते ही हमारा ये FTP सर्वर वर्क हो जाएगा, लेकिन ऑन करने से पहले सबसे पहले हम हमारे फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करेंगे। हॉटस्पॉट ऑन करेंगे और इसे जिस कंप्यूटर में जोड़ना है फ़ोन को बिना केबल के, पेन ड्राइव की तरह, तो हॉटस्पॉट ऑन करके और उस कंप्यूटर में ये इस फ़ोन के पासवर्ड लगाना है। तो दोस्तों हमने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद में, हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद में हमें फाइल सर्वर, ये फाइल जो हमारा है FTP सर्वर, इसको ऑन करना है। हम वन टैप करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद इसे ऑन करना, पहले ऑन नहीं करना है। तो ऑन होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा सर्वर आएगा, FTP सर्वर जो है FTP://192.168.43.1:222. तो कुछ इस तरह से ये एड्रेस है, इस एड्रेस को हम जिस भी कंप्यूटर लैपटॉप में डालेंगे जो इस फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट है।
तो उसमें हमारे फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज खुल जाएगा, आप अपने फ़ोन की मेमोरी एक्सेस कर सकते हो, डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो। तो अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों ये हमारा कंप्यूटर है और अब हम चलते हैं, हम सबसे पहले हम इस फ़ोन के पासवर्ड लगाते हैं जो भी फ़ोन में हमने डाला FTP सर्वर। तो ये मेरा फ़ोन है, यहाँ पर मैं डालता हूँ इसके पासवर्ड। तो ये मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिए, डेटा इसमें मेरे फ़ोन का डेटा भी ख़त्म हो रखा है, डेटा से कोई दिक्कत नहीं है ऑन, लेकिन इसको कनेक्ट करते टाइम ऑन होना ज़रूरी है, फिर बाद में आप चाहो तो डेटा से मोबाइल डेटा को ऑफ कर सकते हो। सो अभी हम चलते हैं, अब चलते हैं दिस PC के अंदर। तो दिस PC में गए, दिस PC या माई कंप्यूटर, कंप्यूटर जो भी आपका विंडोज़ है, तो बेसिकली हमें माई कंप्यूटर के अंदर जाना है, कंप्यूटर के अंदर जाना है। तो यहाँ जाने के बाद में जो ये एड्रेस बार होता है फर्स्ट वाला दिस PC, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करोगे ये एडिट हो जाएगा। एडिट होते हमें हमारा ये एड्रेस डालना, जो FT सर का एड्रेस आप देख सकते हो फ़ोन पे, ये एड्रेस हमें यहाँ पे पुट करना है। तो FTP ये लिखने के बाद दोस्तों मैंने ये पहले से ही टाइप कर रखा, इसलिए आ चुका है, आपको सेम टू सेम ये टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद में आप इसे एंटर करोगे और ये दोस्तों आपका फ़ोन ओपन हो चुका है, फ़ोन में जो जो फाइलें हैं ये पूरा एक्सेस हो चुका है। आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में ये सेम फाइल है, मैं ये देखूँ मेरी रिकॉर्डिंग, ये मेरा फाइल मैनेजर, ये फ़ोन स्टोरेज, ये ऑल फाइल। सो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये सारी फाइलें सेम टू सेम यही हैं। तो अब इसमें कुछ कॉपी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई फाइल, जैसे कि मेरे पास ये फाइल है वन क्लिक क्लीन, ये मैं कॉपी करता हूँ और मैसेज डालता हूँ हमारे फ़ोन के अंदर। तो इस तरह से इसमें कॉपी हो जाती है। ये इसकी स्पीड डिपेंड करती है, अलग अलग फ़ोन की स्पीड, अलग अलग डिवाइस की स्पीड अलग अलग होती है, अलग अलग मोबाइल की स्पीड अलग अलग होती है। कुछ में बहुत फास्ट होता है, कुछ में थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन हमारा काम हो जाता है, हम हमारे फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं इमरजेंसी में। सो इस तरह से वर्क करता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की टेक्निकल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय।